हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग रैम इंस्टॉल करने वाले हैं मेरे 5 साल पुराने लैपटॉप में। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास जो है लेनोवो का आइडियापैड 520 मॉडल है, Y80 के नाम से भी आप इसको जानते होंगे। अब में से काफी लोग उसके यूज कर रहे होंगे। और बाय डिफॉल्ट दोस्तों इसमें लैपटॉप में जो रैम आया था वो 4GB ही रैम आया था, 2166 मेगाहर्ट्ज़ का। और ऐसा नहीं कि लगभग मैं 5 साल से उसमें 4GB रैम यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने उसमें ऑलरेडी एक रैम इंस्टॉल किया हुआ था, सैमसंग का DDR4 रैम, बट समय के साथ साथ उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आई और 5 साल बाद आखिरकार जाके वो खराब हो गई। तो फाइनली जो मैंने रैम परचेज किया, डोल्जी की रैम है ये 4GB, मेड इन इंडिया है, 100% ट्रस्टेड है। और इसका जो लिंक है, डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको मैंने अमेजन से परचेज किया है, डिलीवरी बहुत अच्छी थी, एक दिन में मेरे पास रैम आ गई। तो आइए अब अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं और इस रैम को इंस्टॉल करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि रैम इंस्टॉल करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस कैसी आती है। उससे पहले दोस्तों मैं अपने लैपटॉप एक बार यहाँ पर आपको रिस्टार्ट करके दिखा दूँ कि फिलहाल मेरा लैपटॉप कैसा परफॉर्म कर रहा है। बहुत ही बुरी कंडीशन में है और बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रहा है। लगभग 2 मिनट से भी ज्यादा का समय लगता है दोस्तों, इतने समय में तो मैगी भी बनकर तैयार हो जाती है, आप साथ में चाय भी बना सकते हैं। तो फिलहाल मेरे लैपटॉप की हालत बहुत बुरी है। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारा कुछ इंस्टॉल किया हुआ है, बहुत सारी एप्स इंस्टॉल कर रखी है, हार्ड डिस्क भर रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लैपटॉप लगभग अभी फेयरली मैंने इसको फॉर्मेट किया था। और जो ये आप रैम देख रहे हैं दोस्तों, ये सैमसंग की रैम है जो इससे पहले इस लैपटॉप में लगी हुई थी। एक्चुअली मैं इस रैम को मैंने नेहरू पैलेस मार्केट से परचेज किया था और मुझे लगा नहीं था बिल्कुल भी उस समय परचेज करते समय कि ये रैम इतने समय तक चल जाएगी। बट इसमें अब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रही थी। लगभग 900 रुपये देकर मैंने इसको परचेज किया था, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही थी। हालांकि उस समय मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी उन्होंने कोई सेकेंड हैंड रैम मुझे पकड़ा दिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नई रैम थी। और काफी समय बाद इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो उसको मैंने निकाल के फेंक दिया। और एक चीज और दोस्तों, जो लोग नहीं जानते हैं कि लैपटॉप में रैम में प्रॉब्लम आने से क्या होता है, अगर आपके लैपटॉप में 2 रैम है और 2 में से कोई एक रैम फॉल्टी हो जाती है तो ऐसा में क्या होता है कि आपका लैपटॉप ना बार बार रीस्टार्ट होने लगता है। आप उसको स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट नहीं होगा, रीस्टार्ट होने लगेगा बार बार। तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है ना मोस्टली रैम की वजह से आती है, तो एक बार उसकी रैम का जरूर चेक कर लीजिए दोस्तों। लैपटॉप की रैम को चेक करना या फिर रीइंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है। सबसे आसान काम मेरे को लगता है लैपटॉप में रैम को चेंज करना ही होता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस अपने लैपटॉप का बैक कवर हटाइए, वहां पर आपको रैम का स्लॉट मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का रैम का स्लॉट होता है, वहां पर आपने जो नई रैम आपके पास है उसको इंस्टॉल कर दीजिए। और जो भी रैम में प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो देखिए पूरी रैम एकदम क्लीन है, यहां पर आपको एक ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा होगा। जो ब्लैक स्पॉट है ना, ये इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई IC वगैरह होता है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसकी वजह से ये रैम ब्लैक हो जाती है यहां पर, और इसी वजह से ना इसमें प्रॉब्लम आने लगती है। और ऐसा आपके साथ होगा कि कभी कभी आपका लैपटॉप रीस्टार्ट हो जाएगा अपने आप ही, कभी कभी आपका लैपटॉप बिल्कुल सही चलने लगेगा। वो ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी आपका रैम लोड हो जाती है, कभी कभी लोड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपको ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है। तो हाँ, अगर आपके लैपटॉप में ऐसी प्रॉब्लम आती है, एक बार आप रैम को जरूर चेक कर लीजिए। इसके लिए अभी एक्स्ट्रा पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है, आप खुद परचेज करके इसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो आइए अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं। सिंपली बैक कवर को मैं हटा देता हूँ। अब मेरे पास कैमरा एक ही है और हाथ एक ही है, 2 हैं, और एक बार मैं दोनों काम नहीं कर सकता, तो मैं आपको जल्दी जल्दी शॉर्टकट में दिखाता हूँ। यहाँ पे आइए, पहले सबसे पहले स्क्रू को ओपन कर लेंगे। और इस लैपटॉप के मॉडल में क्या है, ये DVD राइडर वाला मॉडल है, तो सबसे पहले मैं DVD राइडर को निकाल लेता हूँ। सबसे पहले DVD राइडर को स्क्रू को निकालेंगे और इसको साइड में रख देंगे। अब बाकी के स्क्रूज को निकालेंगे और नाखून की मदद से या फिर अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसका जो लिड है, बैक लिड, इसको ओपन कीजिए। बहुत ही आसानी से ओपन हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ओपन होने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से इसका बैक पैनल दिखाई देता है। यहाँ पर ये फैन दिया हुआ है, ये हार्ड डिस्क है आपकी, ये CMOS बैटरी है जो आप देख रहे हैं छोटी सी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है आपका रैम का कवर। यहाँ पर एक रैम लैपटॉप में बाय डिफॉल्ट है 4GB की, 2166 MHz की, और जो ये रैम मेरे हाथ में है ये है 24 MHz की। जिस लैपटॉप की कैपेसिटी है वो 24 MHz की रैम तक कोई आराम से झेल सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको चलाने में। तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मान लीजिए आपके लैपटॉप की कैपेसिटी है 24 MHz जो कि इस केस में, और बाय डिफॉल्ट आपने एक रैम इंस्टॉल कर रखी है 2166 MHz की, तो जो आपकी दूसरी रैम इसमें इंस्टॉल होगी वो बाय डिफॉल्ट 2166 MHz की फ्रीक्वेंसी पर ही रन करेगी। ये इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की भले रैम इसमें दूसरी है, बट वो दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर रन करेगी। यहाँ पर रैम में दोस्तों यही होता है कि आपने जो एक रैम इंस्टॉल की हुई है दूसरी भी रैम आप उसी फ्रीक्वेंसी की इंस्टॉल कीजिए, तभी आप उस रैम से अच्छी तरह से परफॉर्मेंस ले पाएंगे। अब मान लीजिए उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आप इंस्टॉल भी कर देंगे और आपका लैपटॉप उसको परफेक्टली चला भी पाता है, बट क्या हुआ कि आपका रैम जो सबसे लोअर फ्रीक्वेंसी वाली रैम है उसी पर चलेगा वो, तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है। अब दोस्तों मैंने रैम को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है, अब बैक कवर को मैं यहाँ पर इसको पहना देता हूँ
और सारे स्क्रूज को टाइट कर देता हूँ। पहले की तरह दोबारा से हम सबसे पहले डीवी ड्रायर को इंसर्ट करेंगे, उसका स्क्रू लगाएंगे, बाकी के स्क्रूज को लगाएंगे। तो दोस्तों अब ये फाइनल मोमेंट आ गया है, लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं। ये है मोमेंट ऑफ ट्रूथ है, अब देखते हैं लैपटॉप हमारा कितनी जल्दी स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट बूट है तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो आइए अब लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ा है। ओके, तो लैपटॉप स्टार्ट हो गया हमारा और देखिए यहाँ पर टास्क पैनल में चलते हैं और चेक करते हैं कि भाई रैम लोड हुई है नहीं हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 मेगाहर्ट्ज़ की रैम थी, 2166 मेगाहर्ट्ज़ शो कर रहा है। उसका मतलब ये जो पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी है उसी पर रैम हमारी रन कर रही है और बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर लोड हो गई, रैम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। अब लैपटॉप चलाकर देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी हुई है। तो परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। और मैं आपको पर्सनली बताना चाहूंगा दोस्तों कि पहले से जो इसकी परफॉर्मेंस है ना उसमें बहुत ही ज्यादा इजाफा हुआ है। एक्चुअली मैं कह रहा 4GB रैम थी, लगभग 3.8GB रैम मेरी ऑलरेडी भर जाती थी सिस्टम को चलाने में, उसकी बाकी प्रोसेसर चलाने में, तो बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता मामला अगर कोई एप्लीकेशन ओपन करो तो। बट फिलहाल क्या है, लगभग 4GB से ज्यादा रैम खाली है, तो अब बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है लैपटॉप, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अगर आप इस रैम को परचेस करना चाहते हैं तो इस रैम का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मैंने इसको अमेजन से परचेस किया है, लगभग 1250 रुपये इसकी मैंने कीमत दी है। और कीमत पर दोस्तों मत जाइए, जब भी आप परचेस करते हैं तो उसका करंट प्राइस देखिए क्या होता है कि अमेजन पे कभी कभी कुछ ऑफर्स चल रहे होते हैं तो हो सकता है कि आपको कम प्राइस में रैम मिल जाए, हो सकता है आपको कुछ पैसे ज्यादा लगे, तो आप सब थोड़ा सा रुक कर परचेस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वैसे तो इस वीडियो में कुछ खास नहीं था, मैंने बस अपने लैपटॉप को ओपन किया है और रैम को इंस्टॉल किया, बट फिर भी काफी लोगों के लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव हुआ। अक्सर क्या होता है कि लोग अपने लैपटॉप को ओपन करने से पहले बहुत बार सोचते हैं, डरते हैं कि कहीं कुछ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपके पास सेम यही मॉडल है तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही आसान है इसको रैम को इंस्टॉल करना। बस इतना ही दोस्तों इस वीडियो में, अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया है तो लगे हाथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, वो भी आपको बराबर में मिल जाएगा, क्या कि भविष्य में जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। और आपके अगर कोई दोस्त है उनको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको कुछ सुझाव है इस वीडियो के बारे में, कुछ कमेंट आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ूंगा, उनको रिप्लाई भी करूंगा। बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस योर संतोष साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।